गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड. दिस इज़ योर मैथ लेक्चर. टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर 2. वेरी गुड. फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा पिक्चर ग्राफ ऑफ फॉलोइंग डाटा. आपको ये डाटा दे रखा है और उसको हमने पिक्चर ग्राफ डाटा में कन्वर्ट करना है. देखिए, आपको क्लास दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 20. कि फर्स्ट क्लास में 20 स्टूडेंट है, सेकंड में 25, थर्ड में 15 एंड फोर्थ में 30. तो देखिए, हम नोटबुक में कैसे करेंगे. देखो बेटा, आप क्या लिखोगे, एक तरफ क्लास लिखोगे, आप पहले बॉक्स बनाओगे, उसमें एक तरफ क्लास लिखोगे और ऊपर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. फर्स्ट क्लास में नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20. तो मैंने क्या करा है, मैंने आप ही की बुक में से जो फर्स्ट पेज था डाटा हैंडलिंग का, उसको फोटोस्टेट करवा के उसमें जो स्टूडेंट्स यूज़ कर रखे थे उसको पेस्ट करा है. तो फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 20. तो देखिए, मैंने 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स को यूज़ करा है, यहाँ पे पेस्ट करा है. इट मीन्स कि 1 स्टूडेंट जो है वो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ईच फिगर जो आपको ये दे रखी है स्टैंड फॉर 5 स्टूडेंट. तो फर्स्ट में कितने हैं, 20. सेकंड में कितने हैं, 5, 5, 10, 15, 20 एंड 25. कितनी पिक्चर्स लगाई हैं मैंने, 1, 2, 3, 4 एंड 5. थर्ड क्लास में 15 स्टूडेंट है, तो मैंने कितनी पिक्चर्स लगाई हैं, 1, 2, 3, क्योंकि एक जो पिक्चर है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रही है. फोर्थ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट मीन्स 30 स्टूडेंट्स हैं. तो आप भी, अगर आप चाहते हैं, आपसे पिक्चर, आप फोटोस्टेट नहीं करवाना चाहते, तो आप एक स्क्वायर भी बना सकते हैं एंड स्टार भी बना सकते हैं. लेकिन आपको सारी जगह, अगर आप स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सब में स्क्वायर बनाना है और यहाँ पे भी स्क्वायर बनाना है, और स्टार यूज़ कर रहे हैं तो आपको सारी पिक्चर्स में स्टार ही बनाना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राधा वाज ऑन लीव फ्रॉम 8 January to 9 March. फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी वाज ऑन लीव. कि राधा जो है वो 8 January से 9 March तक लीव पर थी, तो हमें ये बताना है वो कुल टोटल कितने डेज उसने लीव ली है. तो देखिए, आपको पता है राधा वाज ऑन लीव फ्रॉम 8 January. आप 8 January से वो लीव पे थी, तो इट मींस वो 1 to 7 days तो आई है. तो हम क्या लिखेंगे, टोटल डेज इन जनवरी, कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31. और वो कब से, उसने कब से वो लीव पे गई थी, 8 से, तो हम 7 डे तो काउंट करेंगे लेफ्ट डेज. 31 में से 7 माइनस करेंगे, कितना है, 24 days. तो वो जनवरी में कितने दिन लीव पर रही, 24 days. तो हम लिखेंगे डेज इन फरवरी 28 होते हैं, डेज इन मार्च 9. क्यों लिखे, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है कि वो 9 मार्च तक लीव पर थी, तो हमने 9 लिखा है मार्च में. अब हम क्या करेंगे, टोटल डेज काउंट करेंगे. जनवरी में कितने डेज वो लीव पे थी, 24, फरवरी में 28 और मार्च में 9. इन तीनों को टोटल करेंगे, हमारा क्या आएगा, 61 days. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा फिगर ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड कॉन. देखिए, मैंने यहाँ पे क्यूबॉइड लिखा है और क्यूबॉइड को ड्रॉ करा है. क्यूबॉइड में हमारे क्या है, 6 फेसेस हैं, और वो कैसे होते हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं इसकी इक्वल होती हैं. अब ठीक है, और क्यूबॉइड में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. सिलेंडर बनाएंगे और कोन बनाएंगे. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.